फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। नमस्कार, राइट मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूँ वंदना यादव। हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में खाने पीने की अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो इसी बीच मुंबई में हमें एक तरह का आयोजन अलग सा देखने को मिला जो कि बिरयानी फेस्टिवल के नाम से रखा गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी और आराध्य फाउंडेशन द्वारा महाराष्ट्र फूड एंड कल्चर के माध्यम से महाराष्ट्र मेजबानी के कार्यक्रम में बिरयानी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बिरयानी फेस्टिवल में मुंबई वासियों ने अलग अलग तरह के वेज और नॉन वेज बिरयानी खाकर बिरयानी का लुफ्त उठाया। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बिरयानी खा रहा हूँ, आज मज़े लूट रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे महोत्सव आजकल महाराष्ट्र में मुंबई में होते हैं, लेकिन ये बिरयानी महोत्सव का जो ये उपक्रम है ये पहली बार कहीं पर हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रही है। अलग अलग टाइम की महाराष्ट्र से लेके हैदराबादी से लेके दिल्ली से लेके अफगानी बिरयानी तक अलग अलग बिरयानी जहाँ पे है, और मैं बहुत ही नितिन का और सचिन का मनपूर्वक अभिनंदन करूंगा क्योंकि उन्होंने परेलवासियों के लिए एक अलग तरीका नजराना यहाँ पे लाया हुआ है। लोग अगले 3 दिन यहाँ पे आके मौज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बहुत खुशी मनाएंगे। महाराष्ट्र में इसके पहले भी महाराष्ट्र मेजबानी जैसे कार्यक्रम भी संपन्न हुए हैं। ये फूड फेस्टिवल हम लोग के लिए यानी 15वां इवेंट है और 15वां इवेंट इसलिए हम लोग खास कर रहे हैं क्योंकि ये नए साल का एक तोहफा लेके आए, एक जो मुंबई कर असल में अपने गांव खेत से आए हुए जो विविध खाद्य पदार्थ है उनका व्यंजन करना भूल ही गया है। जैसे कि अभी यहाँ पे मुंबई के कॉस्मोपॉलिटन एरिया में मोस्टली बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा वीज़ा वगैरह वो चल रहा है, लेकिन जो असल में है वो गाँव खेत से और गाँव में जो उगता है वही यहाँ पे मिलता नहीं है। और यही हम लोग ने किया है कि महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो फूड है वो यहाँ पे इकट्ठा करके उनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग ने आयोजित किया है, जिसमें हमें वो ये शिवाजी पार्क ये बेटर लगा कि शिवाजी पार्क में अच्छा पोटेंशियल है और इसी कारण हम लोग आगे ये साल में यही प्रोग्राम हम लोग आगे कंटिन्यू करने गए और कंटिन्यू करते समय हमें इसका यानी बड़ा प्लेटफॉर्म लेके जाना पड़ेगा, तो हम लोग उसको भी और एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तर्ज पर 2020 में भी महाराष्ट्र मेजबानी जैसे और इसके साथ साथ बिरयानी महोत्सव जैसे कार्यक्रम रखे गए और भी बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। यह कार्यक्रम कुल 4 दिनों तक चला है और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट MLA प्रसाद लाड और साथ में ही क्राइम पेट्रोल की टीम भी वहाँ पर मौजूद रही और बिरयानी प्रेमियों का मनोबल भी बढ़ाया। आराध्य फाउंडेशनचा हा 16वा फूड फेस्टिवल आपण सर्वांनी या बिरयानी महोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी उदंड प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल आराध्य फाउंडेशन व शौर्य प्रतिष्ठानच्या वतीने मी आपले हार्दिक अभिनंदन करतो। तसेच या पुढे या बिरयानी महोत्सवाचा दुसरा पर्व म्हणजे आमचा आराध्य फाउंडेशनचा 17वा महोत्सव माइनच्या मोबाईल येथे 23, 24, 25, 26 जानेवारी म्हणजे ह्याच आठवड्यात बिर्याणी महोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा करणार आहोत। त्यानंतर 31 जानेवारी, 1 फेब्रुवारी, 2 फेब्रुवारी म्हणजे पुढच्या नेक्स्ट वीकमध्ये अंबरनाथ पूर्व GKB कंपाऊंड येथे मिसळ महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे। त्यानंतर 7, 8, 9 जांबोरी मैदान येथे बिर्याणी महोत्सवाचं तिसरं पर्व असेल आणि त्यानंतर आम्हाला या महोत्सवाची ही बाजू म्हणजे महोत्सव करताना आम्हाला कुठल्या कुठल्या अडचणी येऊ नयेत यासाठी ही पूर्वतयारी आहे, आणि ही पूर्वतयारी अशासाठी की IC टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे आम्हाला जूनमध्ये अमेरिका दौरा मिळालेला आहे।
अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।